सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7, और चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये है हमारा क्लास 7 का साइंस। ओके, तो ये NCERT बेस्ड है, आप सबको पता है, और इसके पहले भी हमने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो ये आपका पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। ओके, पार्ट 6 वीडियो होने वाला है, और आई होप कि मैं इसमें आप लोग का ये जो चैप्टर है उसको मैं अच्छे से कवर करा पाऊँ और जल्दी से समाप्त कर दूँ, राइट। तो इसके पहले हमने देखा जाए कि कहाँ तक कवर कर लिए थे, कहाँ तक टॉपिक था हमारा। बेसिकली हम लोग हार्ट बीट पढ़ चुके हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ये भी हम लोग देख चुके थे, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स ये भी हमने क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, हाँ, हमारा बेसिकली टॉपिक ये था ट्रांसपिरेशन, और ये 7.3 एक्सरसाइज करना था, क्या था, हाँ, एक्टिविटी। तो ये एक एक्टिविटी है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल से एक्टिविटी है, आप लोग ऐसे पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ट्रांसपिरेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसको देखा जाए। ट्रांसपिरेशन, अभी ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा क्या है, ट्रांसपिरेशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब आपने यू नो 6 क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, वो वाटर को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, so we called that transpiration is a process in which the plants release a lot of water, that is called transpiration. okay, next है हमारा plant absorb minerals, nutrient and water from the soil. अब जो plants हैं तो वो absorb करते हैं minerals को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ठीक है, कहाँ से, सॉयल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय वाटर। अब वो लोग जितने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा वाटर ही वो लोग क्या कर ले, यूटिलाइज्ड कर ले, अपने ऊपर खर्च कर ले, राइट। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब जो वाटर है, ठीक है, तो वो इवेपोरेट्स होता है थ्रू द एस्टोमाटा, ठीक है, किसके द्वारा, एस्टोमाटा हमारे जो लीव्स होते हैं प्लांट्स में, तो उसमें यू नो छोटे छोटे पोरस टाइप होते हैं, एस्टोमाटा वी कॉल्ड इट। तो वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेट्स होता है वाटर, ओके, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव, लीव्स पे प्रेजेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ओके, वो वाटर को क्या करते हैं, क्या करते हैं गाइस, इवेपोरेट्स करते हैं थ्रू द एस्टोमाटा, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पूल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ विच कैन पूल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि जैसे कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं ना, तो हम लोग ऐसे पुल करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं स्ट्रॉ से, तो यहाँ पे भी सेम कुछ वैसा ही कंडीशन है, विच कैन पुल वाटर, तो वाटर पुल होता है, ठीक है, ग्रेट हाइट पे इन द टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज में। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और जब ये ट्रांसपिरेशन हो जाता है, राइट, तो फिर प्लांट्स क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट्स को कूल कर देता है। सो बेसिकली हमारा यही टॉपिक बचा था, और मैं चाहती थी कि ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पिछला वाला वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि शॉर्ट वीडियो में एक पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये आप लोग का पार्ट 6 है, और यहाँ पे मैंने चैप्टर को कम्प्लीट कर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, आर्टरी हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, कैपिलरी हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा, ठीक है, जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, यू नो, फिर डायलिसिस हो गया, एक्सक्रीशन हमने देखा, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ओके, ट्रांसफ़र होके आउट हो जाते हैं, राइट, एक्सक्रेटरी सिस्टम हमने देखा, हेमोग्लोबिन देखा ब्लड में, हार्ट बीट के बारे में हमने पढ़ा, किडनीज देखा, फ्लोएम देखा कि जो फूड का ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स में, तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है, राइट, प्लाज्मा देखा, प्लेटलेट्स देखा, पल्स, रेड ब्लड सेल, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट, तो ये सब कुछ की पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, व्हाट यू हैव लर्न, आप लोग ने क्या पढ़ा, तो इसको एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके,
इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन मोस्ट एनिमल्स, ठीक है, कि बहुत सारे एनिमल्स में जो ब्लड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सर्कुलेट होते हैं इन द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब फूड और ऑक्सीजन को वो लोग क्या करते हैं डिफरेंट सेल्स में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेल में वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड और ऑक्सीजन का। ठीक है, क्या मतलब कौन करता है, तो ब्लड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, यू नो, तो हमारे अंदर जो सेल है उनको, मतलब वही बात हुआ ना कि उनको ज़रूरत पड़े चाहे हमें ज़रूरत पड़े, तो जब हम लोग यू नो जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो उसी में सेल के पास क्या होता है, फूड और वाटर चला जाता है, ऑक्सीजन भी चला जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर जो ब्लड होता है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड ही कैरी करेगा या फिर बस ऑक्सीजन ही कैरी करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सर्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब जो सर्कुलर सिस्टम है तो वो कंसिस्ट, मतलब क्या चीज़ से बना हुआ, हार्ट और ब्लड वेसल्स से, राइट। इन ह्यूमन्स ब्लड फ्लोज थ्रू, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो ह्यूमन्स है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है, मतलब किसके माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से, वेन के माध्यम से, एंड द हार्ट एक्ट एज अ पंपकिन ऑर्गेन, ठीक है, पंपिंग ऑर्गेन, ओके, नॉट पंपकिन, पंपिंग ऑर्गेन, राइट। तो जो हार्ट है तो वो कैसे एक्ट करता है, एज अ पंपिंग ऑर्गेन, ओके। ये क्वेश्चन भी कहीं पे आ सकता है, राइट, कि पंपिंग ऑर्गेन हम किसे बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स हार्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जो ब्लड है तो वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसमें प्लाज्मा भी होते हैं, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है, ओके। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन। ये तो आप सबको पता होगा कि ब्लड रेड इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, रेड पिगमेंट, तो इसीलिए जो ब्लड है वो रेड होता है। नेक्स्ट हमारा है, द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70-80 टाइम्स पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। अब जो ह्यूमन का जो हार्ट है तो वो बीट होता है 70-80 टाइम्स पर मिनट, और जो मतलब, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स। अब जो आर्टरी है, ठीक है, तो वो कैसे ब्लड को कैरी करता है, वो हार्ट से, ठीक है, जितने भी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो वहाँ पर क्या करता है, कैरी करता है, कौन, आर्टरीज। और जो वेन है हमारा, वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब जो वेन है, ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, तो वहाँ से वो डायरेक्ट हार्ट में लाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके वो लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उल्टा मान के चलिए। और नेक्स्ट है हमारा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन इस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द बॉडी, ओके। सो यही था, अच्छा यहाँ पे भी अभी कुछ दिया हुआ है, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज। अब जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है तो वो दो किडनीज से, यू नो, दो यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ओके। तो ये सब किस में आ जाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाता है, राइट। साल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद वाटर एट स्वेट। अब जो साल्ट हो गया और जो यूरिया हो गया, ठीक है, तो वो रिमूव्ड हो जाते हैं एज अ कैसे, मतलब स्वेट के द्वारा, पसीना के द्वारा, राइट। यहाँ पे अब और क्या लिखा है, वाटर एज अ स्वेट, फिश एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट सच एज। अब जो फिश होती है तो वो एक्सक्रीट करती है क्या, सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। और अमोनिया, ठीक है, एक्सक्रीट करती है, जो कि डायरेक्टली कहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ओके। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड लीजार्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। अब जो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, लीजार्ड हो गए, तो वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म में, यू नो, रहता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट फ्रॉम द सॉइल। अब जो वाटर्स एंड मिनरल्स है, ठीक है, तो वो कैसे ऑब्जॉर्ब्ड होते हैं, बाय द मतलब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद वाटर। ये तो आप सबको पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है, तो वो कैसे से वैस्कुलर टिश्यू के माध्यम से जाता है, जिसका नाम क्या है, जाइलम, उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, ओके। और जब फूड ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, राइट। तो वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हो गए, एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ वेपर
थ्रू स्टोमाटा, और जो भी इवपोरेशन होता है ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है तो वो स्टोमाटा के द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स, एक जनरेट्स फोर्स करता है राइट, जो कि पुल करता है वाटर को एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टीम। कहाँ पे जाने के लिए पुल करता है? स्टीम और लिफ्ट में जाने के लिए पुल करता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो वो आप लोग बनाइएगा। ऑफकोर्स मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, आप लोग एक्सरसाइज, बाकी मैं एक्सरसाइज का भी वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि एक वीडियो में आप लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर 100+ सब्सक्राइबर हो गए, तो ये अच्छा लगता है यू नो, कि कभी कभी एक भी नहीं था और कभी कभी 100+ हो गया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग अपने प्यार खूब बरसाए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।